गुड आफ्टरनून सर जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? हाँ ठीक है सर जी। अच्छा, एक बार आपको सर बोर्ड से जी आपसे बात करना चाह रहे थे, लाइन ट्रांसफर कर देता हूँ आपकी, ठीक है? अच्छा कराओ जी। ओके। हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, गुड इवनिंग होने वाली है, आप गुड आफ्टरनून बोल दो, क्या बात है? हाँ जी हाँ जी, मैं सोया हुआ था जी। सो रहे थे? क्या बात है, खाना कितने बजे खाते हो? खाना बस अभी 3 बजे खाया जी। इतना लेट खाना क्यों खाते हो? खाना खाने का टाइम तो 1 बजे का होता है। होता है जी, फिर सारा कुछ करने पर बरसात हो रही थी ना इधर। चलो चलो अच्छी, जिस दिन पंजाब घूमने आऊंगा उस दिन खाना मेरे साथ खाओगे बैठकर? मैं जरूर खाऊंगा जी, आपने हाथ से बना के खिलाएंगे आपको। बिल्कुल, लेकिन मैं खाता हूँ सूप, वेजिटेरियन, दाल रोटी, मुझे पसंद नहीं है नॉन वेज वगैरह। मैं तो नॉन वेज खा, मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ जी सर जी। मैं तो बहुत क्या बात है, मैं तो बहुत प्योर वैष्णव हूँ, लहसुन राधा कृष्ण का उपासक हूँ। अच्छा, आप जो अपने तीनों अकाउंट ओपन करवाओगे? हाँ जी हाँ जी। मेरी ये सजेशन है, ये अपने अकाउंट जो है अपने नाम पर खुलवाना, ठीक है? नहीं नहीं, अपने नाम पर, उसका फोन आया था 2 मिनट पहले रंधावा जी के, रंधावा जी के असिस्टेंट का, तो वो बच्चा ही अपना फोन आया हुआ। हाँ, वो पूछ रहा था मेरे से भी अपने अकाउंट किसके नाम पर। मैं से अपने ना, जब पैसे मेरे नाम पर आने हैं तो मैं अकाउंट भी अपने नाम पर खुलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अकाउंट अपने नाम पर खुलवाना। हाँ जी हाँ जी। और दूसरी बात जो है, ये जो अपना जो प्रोसीजर करवाओगे, इस प्रोसीजर में रंधावा जी की हेल्प मत लेना आप, ठीक है? अच्छा जी, क्योंकि इसमें देखो होता क्या है, जब पहला जो मैंने आपका TMR फॉर्म फिल करवाया था उसमें आधा पैसा रंधावा ने दिया था, ठीक है? ठीक है ना, ठीक है जी। तो इस उसने हमें क्यों दिया था, क्योंकि वो आपका TMR फॉर्म था। हाँ जी। वो आपका प्रोसीजर था जो आपको सबमिट कराना था, ठीक है? ठीक है जी। लेकिन अब जो आप करवाओगे वो अपना प्रोसीजर नहीं करवाओगे, वो अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हो। जो अकाउंट आपके नाम से खुलेंगे, आपके पर्सनल अकाउंट रहेंगे, आपका ही उसमें अकाउंट नंबर गन्ने होगा और आपका ही नाम होगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तो इसमें, हाँ जी, इसमें जो भी पेमेंट जमा करोगे आप, वो जो है अपने पास ही जमा करोगे। अगर रंधावा जी की हेल्प लोगे तो दिक्कत इसमें आएगी, क्योंकि भैया आप जानते छोटा मोटा अमाउंट, ये बड़ा अमाउंट है, ठीक है जी? 15 लाख का अरेंजमेंट करने में दिक्कत आ रही है जी। कोई बात नहीं, देखो मुझे पता है अरेंजमेंट आ रही है, दिक्कत आ रही है, लेकिन देखो ये कोई प्रोसीजर नहीं करवा रहे हैं हम, ये जो हम करा रहे हैं अपने अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, ठीक है जी? ठीक है जी। और देखो, अच्छा इसमें आपको किसी की है? नहीं नहीं, पहले बात सुनो, पहले आपने मेरे यहाँ के मतलब के जो मेरे 4 बैंक खाते थे वो अकाउंट नंबर लिए थे आपने, बताया था अभी मुझे पता। देखो वो वेरीफाई अकाउंट नंबर मैंने आपके इसलिए लिए है क्योंकि अभी तक आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है मार्केट में, वो आपने उन्हीं अकाउंटों से करी है, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो मुझे आपका पैसे के साथ साथ जो है आपकी स्टेटमेंट भी तैयार करनी है कपूर साहब। अच्छा ठीक है, पैसा तो निकल जाएगा, ठीक है जी। पैसे के साथ साथ अगर आपकी स्टेटमेंट मैं अगर आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, ठीक है, तो फिर अपना पैसा कैसे यूज कर पाओगे? ठीक है। स्टेटमेंट जो तैयार होती है, ठीक है, वो तभी तैयार होती है जब हम आपके अकाउंट नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, जो आपके पर्सनल अकाउंट नंबर है, ठीक है जी, जो आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम आपकी स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ताकि कल चल के जब आपको आपकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है सर जी, ठीक है। और दूसरी बात जो है, ये पैसों का मामला है, किसी की भी नीयत बदल जाती है कपूर साहब। हाँ जी सही बात है जी, क्योंकि आप जानते छोटा, देखो भाई भाई का निधान, वो माया सब यही रह जाएगा, खाली आ जाते खाले चले जाएंगे, वो वाली बात होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। तो मैं इसलिए कहूंगा, जो अपने अकाउंट ओपन करवाओगे तो इसमें किसी रंधावा जी की हेल्प मत लीजिएगा, उसकी सलाह तो ले सकता हूँ, उनकी सलाह तो ले सकता हूँ ना। हाँ सलाह ले सकते हो। हाँ जी हाँ जी, रंधावा जी से सलाह ले सकते हो, बातचीत कर सकते हो पूरी इस बारे में, ठीक है। उनकी सलाह के बिना कुछ मत करना, बस उनकी हेल्प करना, क्योंकि देखो उन्होंने मैक्सिमम हेल्प कर दी है मेरी। देखो हेल्प जो है वहाँ करी जाती है जहाँ जरूरत होती है, ठीक है जी? ठीक है जी। लेकिन ये मामला जो है, आप जो काम हो रहा है, आपका अकाउंट का काम हो रहा है, ठीक है जी, तो मैं इसमें किसी का पैसा नहीं लगाऊँ, क्योंकि भैया छोटा मोटा अमाउंट नहीं आ रहा आपका, 1,30,00,000 का अमाउंट है, ठीक है जी? ठीक है सर जी। कब किसकी नियत बदल जाए कुछ नहीं पता होता, ठीक है? नहीं ठीक है जी। तो रंधावा जी की एडवाइस लेने के बाद ये काम करना, बाकी ये काम कैसे करोगे करवा के मुझे बताइएगा आप, ठीक है? ठीक है सर जी। जल्दी हो जाता है तो 12 तारीख की डेट में अकाउंटिंग काम करवा लेता हूँ, थोड़ा लेट होगा 17 तारीख को, फिर आपका पैसा निकलेगा। इसके ना टाइम लगेगा, क्योंकि एक बंदा मतलब के 15 लाख नहीं देगा, थोड़े थोड़े पैसे मतलब के लाख लाख, दो दो लाख ऐसे
लेकिन बोला मैंने मतलब आपको जो अगर आप जो एक साथ भी करते हो तो अपना काम जो है तीन तीन टुकड़ों में करवाइएगा, ठीक है जी? ठीक है जी, यानी कि तीन अकाउंट ओपन होने हैं आपके, तीन पहले 5 लाख जमा करें, पहले अपना एक अकाउंट ओपन करवा लिया, 5 लाख सबमिट कर दिया, उसमें जमा हो जाएगा, अकाउंट पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी? फिर दूसरा अकाउंट करवा लिया, तीसरा, यानी ठीक है, तीन प्रोसीजर में अपना तीन अकाउंट अपने मेंटेन कर लेना, चौथी बार में फिर मेरा काम रहेगा, मैं आपको काम करवा दूंगा, ठीक है जी? चलिए और सुनाइए की हाल। बस ठीक है, धन्यवाद जी। सर जी, गुरुद्वारा जाते हैं, नहीं जाते हो कभी कभी, घर भी रहते हो? हाँ, गुरुद्वारे तो मतलब रेयर ही जाते हैं, घर पर ही रहते हैं, ज्यादा फिर तो नहीं जाता। कभी कभी भाई गुरु जी को भी याद कर लेना चाहिए। जाते हैं जाते हैं महाराज जी, ऐसे दुख निवारण पटियाले में, पटियाले पटियाले दुख निवारण साहब है हमारे, वहाँ पर जाते हैं हम, और इधर भी जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इधर इधर सरंद में भी जाते हैं, सरंद में भी है, सरंद में मैं चलो चलो हायर सेकेंडरी, मेरे कपूर साहब पंजाबियों में बहुत अच्छे लिंक हैं, ठीक है जी? अब यार ये समझ लो पंजाबी से प्यार बहुत है मुझे, ठीक है जी, लेकिन उनके हाथ का जो खाना खाने में जो मुझे आनंद मिलता है वो आनंद मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। हाँ नहीं, ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों के हाथ के खाने में जो मिठास होती है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कहीं मिलता ही नहीं है। नहीं ठीक है सर जी, बाकी आप बेटी लोग काम करवाओ, मैं काम खत्म करवाता हूँ बताकर, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी, और सुनाइए। बस ठीक है जी, कब मिलने आ रहे हो हमसे? किनसे? हमसे 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 उन्होंने अभी 15 लाख का आपने दे दिया, 15 लाख का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? इतने इतने दिन में हमने 5 लाख का बड़ी मुश्किल से किया है, वो भी उनके प्रॉपर्टी। वो तो मुझे देखो, सब देखो मेरे हाथ में जो चीज होती है वही करवाता हूँ ना, ठीक है? तुम बस बात है, मैं गलत तरीके से पैसा क्यों निकलवाऊँ आपका? नहीं नहीं ठीक है भाई, सही तरीके से पैसा निकल रहा है तो भैया सही तरीके से निकलवाऊंगा। आप पहली बात तो जो है इस बार बात कर रहे हो वो भी अपना प्रोसीजर नहीं कर रहे हो, ठीक है? अपना अकाउंट खुलवा दो, अकाउंट में क्या अपना, जैसा आपका सेविंग अकाउंट खुला दो, ऐसी काम होगा इसके अंदर आपका, ठीक है? ठीक है जी भाई, कल अनुभावा आ जाएगा, अगर उससे बात करने की बात करके छुट्टी देने के बाद काम करिएगा, ठीक है जी? अनुभावा जी कल आ जाएंगे, उनसे बात कर लूंगा मैं। जी, उनका असिस्टेंट बोल रहा था मेरे से दो मिनट पहले, वही यही बोल रहा था भी अपने नाम पर खुलवाना अकाउंट, मैं कहा अपने नाम पर ही खुलवाऊंगा, अपने नाम पर ही खुलवाएंगे, ठीक है सर जी? सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी।